विश्व बाघ दिवस पर देहरादून में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और रंजन कुमार मिश्रा, अपर प्रमुख वन संरक्षण वन्यजीव प्रशासन ने किया। बाघ संरक्षण के लिए फियरलेस बाघ नाम से शुरू हुआ ये फोटो प्रदर्शनी आने वाले 16 अगस्त तक जारी रहेगा। इस खास मौके पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि ये बेहद सराहनीय प्रयास है, आम जनमानस के साथ ही भावी पीढ़ी में बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता आएगी। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कॉर्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जंगल में आग लगने की समस्या ज़्यादातर पहाड़ों में है और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है वो समस्या। हाँ, हैबिटेट कम होने के और पोचिंग की ये समस्या रहती है लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल रहा है इसीलिए टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, तो मैं इसको ओवरऑल तो अच्छा संकेत ही मानता हूँ। सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई 2010 से ही शुरू हुआ था, आज 12 साल हो गया है हमारे पास। और जिस प्लेस के साथ हम शुरू किए थे कि डबल होना चाहिए भारत में उसका संख्या, हमने 2018 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर हमने इकट्ठा हो रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी एज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका फोटोग्राफ्स एवं उनका पेंटिंग्स यहाँ पर है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जो कि बहुत अच्छा एक संदेश देता है कि भविष्य में हमारा टाइगर का पॉपुलेशन का जो प्रोटेक्शन है और उनका संख्या बढ़ने का जो संभावना है ये बहुत ही अच्छे हाथ में है, मैं यही कहूँगा।